गुरु साहब जी सानू कोई अकलमंद नहीं समझ रहे, सानू बोरे करके फरमा रहे, ज्यों आए त्यों गए बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरना पिया। असी दुनिया ते आए जन्म ले, पर जो कुछ करना है सो कीता नहीं, कोई नेक पाक कर्म नहीं किया, भजन समान नहीं किया, जिदे नाल साडी कल्याण होनी सी, साडी जन्म जन्म की सजा मुकनी सी, वो असी जैसे असी आए वैसे चला गए। हजूर कई बार फरमाउंदे सी कि इंसान सारिया जूना दी एक बहुत बड़ी हस्ती सब का अवसर है, और जितने भी आके इसने काम किए सब छोटे काम किए, छोटिया जूना वाले काम किए। जैसे कुत्ते बिल्ले पशु आए परिंदे आए खा पी के वह भी दुनिया तो चला गए, ये भी खा पी के दुनिया तो सारे कर्म करके चला गया। इस इंसान का होने का की फायदा? सब तो बड़ा इहदा फायदा यह सी कि यह सब तो बड़ा काम करता, सब तो बड़ा काम भजन सिमरन सतसंग की सेवा और सत्संग। ये सारे संतां महापुरखों ने एक तत् कढ़िया, और हर एक महापुरख चाहे कोई हिंदू मुसलमान ईसरी पुरश कोई भी आया है दुनिया च, उन्हें यही साधन दसिया है। इस दे बिना साड़ी कल्याण नहीं हो सकती, और जितने मर्जी असी काम करिए उन्हां दे विच सानू जन्म मिल सकते हैं, साड़ी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति वास्ते संतां महापुरखां ने नाम दसिया है, ये नाम दे बिना मुक्ति नहीं होई। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं कि ऐ बौरे, सानू उन्होंने बौरे क्या है, बेसमझ क्या है, क्योंकि दुनिया च असी भावे समझदार बने फिरते हैं पर संतां दी तलीम के मुताबिक असी बौरे ही। जब असी उन्हां दे तलीम का कोई फायदा नहीं लिया, उन्हां दी तलीम ते असी चले नहीं, तो की फायदा है, की साड़ी अकलबंदी है? अकलबंदी तो यह सी साड़ी कि असी एडी वड्डी हस्ती होके तो फिर कोई अच्छा कर्म कर लेंदे ताकि साड़ी मुक्ति हो जाती, असी अपने देश चले जाते, अपने मालक नाल मिल लेंदे, फिर तो साड़ा कोई अच्छा काम सी या अकलबंदी सी। सो अकलबंदी काम असी कीते ही नहीं। गुरु साहब जी जो भी फरमा रहे ठीक फरमा रहे, ज्यों जन्मे त्यों मरना पे, ज्यों ज्यों जन्मे जैसे दुनिया ते आए वैसे चले गए, ज्यों जन्मया तो मौत सिर ते खड़ी रहे, जे पशु बने तद भी मरना पिया, परिंदे आए तद भी मौत सिर ते रही, जे इंसान बने तद भी मौत सिर ते रही, जने नेक पाक कर्म जिहड़ा असी करना सी उह नहीं कीता, जिस काम दे विच सानू फायदा मिलना सी उस काम तो असी रह गए। हाँ जी, जो जो आया त्यो जावे बोरे, जो जन्मे त्यो मरन पए, जो रस भोग किए ते ता दुख लागे, नाम विसारा पव जल पया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, ज्यों ज्यों तू रस भोग कीते ते दुख लग गया, और नाम विसारिया ज्यों ज्यों दुनिया दे विच असी रस भोग करदे नाम विसर जांदे,
नाम दे बारे उस जपन दे वास्ते सानू हर चीज का संगोच करना पड़ता। मैं कल भी दस्या सी कि बाबा जी जिन्हां दा दरबार है उन्हां दी खुराक की सी, की खांदे सी, कि उन्हां नूं भी सब कुछ मिल सकता सी ते क्यों खांदे सी, दाल लून आटा सब कट्ठा रिन लैणा, वो दो चार चिमचे खा के फिर भजन पै जाना। उन्होंने कोई अपनी रसो विच ज्यादा समान नहीं रखना, एक कोले विच आटा फुलके का गुण लैना, जदों रोटी पकाउणी कदी उहदे उत्ते परने दे उत्ते धूड़ा रख लैना, ओही फुलका पका के कौला धो के उहदे विच सब्जी जां दाल जो चढ़ी उह पा लैणी। इत्थों तक कि ज्यादा पानी भी खर्चना होवे बंदगी वास्ते, बंदगी वास्ते हर एक चीज का संगोच करना पैंदा, हर एक चीज की सांभ करना पैंदी। जे असी कहीए कि दुनिया दी ऐश्वर्य करके दुनिया के अच्छे अच्छे खाने खा के असी नाम जप लवांगे, फिर नाम नहीं जपया जाता। नाम जपन वास्ते सानू बड़ी बड़ी कोशिश करना पैंदी है, देखना पैंदा है। कई बार हजूरे फरमाउंदे हुंदे एक महात्मा जद भी किसे पिंड विच या शहर विच जांदा सी, बाहर लोगों नूं पुछना इत्थे कोई नेक पाक बंदा है अच्छी कमाई वाला, ते लोकी दस देंदे जे इहो जिहा बंदा होवे उस दे घर मैं रात रहना। किसे दस्या कि इत्थे इक माई सूत्र कत के गुजारा करदी है, महात्मा जी उस दी कमाई बड़ी नरोल है, तुसी उहदे घर चले जाओ। महात्मा उस माई दे घर चले गए, एक दो दिन रहे, भजन बनता रहा। एक दिन माई ने की किया, उहदे पड़ोस विच कंजरी दा मकान सी, कंजरी ने जदों अपना गैस जगाया ते बारी दे राहीं रोशनी पई माई दे कमरे विच, माई ने अपना दीवा बुझा दिता। उस रोशनी दे नाल माई ने सूत्र कत्या, फिर वह बेच के राशन पानी लैंदा। जदों माई ने उन महात्मा ने खाधा तो फिर मन कित्थे खलोवे, मन ते सलांगा मारे। महात्मा ने कहा, माई हुण सानू छुट्टी दे, तेरी कमाई नरोल नहीं रही, तेरी कमाई विच राम दा दखल हो गया, असी हुण चलदे हां। माई ने कहा, महात्मा जी मैनू समझ नहीं आउंदी कि मैं की गलत काम कीता है, मैनू तुसी एक आधा दिन रह के दसो, मेरी गलती दस जाओ, फिर भावें चले जाओ। दूसरे दिन भी माई ने इसे तरह किया, तो महात्मा ने कहा, माई आ नुक्स जी वह कंजरी का गैस, उहदी राम दी कमाई और तेरी कमाई च दखल हो गई, तेरी कमाई नरोल नहीं रही। सोच करो तुसी, भजन वास्ते कितना कुछ करना पैंदा है। जो गुरु साहब की बाणी च फरमा रहे, ठीक फरमा रहे, भाई नाम बिसर जाता है, नाम नहीं फिर रहिंदा याद। जदों असी दुनिया के रसा कसा च फस जावांगे फिर नाम नहीं रहेगा। नाम एक सत चीज है, नाम केड़ी कोई सोने की डली जड़ी असी ट्रैंकां च काबू कर लैनी हैगी, नाम एक सत है। तुसी किसे शीशी शीशी का ढक्कन पुट दो, जे सत वाली दा तो शीशी रह जाएगी,
लेकिन ओदे विच जेड़ी ताकत ओ नहीं रही। ओ किधर गई, कौन लै गया उसनों? तुसी उसनों उस शीशे च फिर काबू कर सकते हो? वो टक्कनी उत्ते रहेगा ते तद काबू रहेगी, इदा नहीं रहेगी। वो नाम एक सत है। पलटू साहब ने बाणी च फरमाया है, नाम नाम सब कोई कहे, नाम ना पाया कोई, नाम ना पाया कोई, नाम की गत है न्यारी। वो ही शख्स को मिले जिन्होंने हुम्मे मारी, हों को करे खमोश हों, होश ना तनकी राखे, गगन गुफा में जाए के प्याला प्रेम का जाके। वो नाम जेड़ा है, नाम लफ्ज नहीं है। सारे संता महापुरखा ने अपने आप नू एक बड़े कंट्रोल च रखना पैंदा है, इन्हां चीजां दा बड़ा परहेज रखना पैंदा है, फिर जाके वो रस इस नू मिलदा है। हजूर कई बार फरमाते होंदे सी, ए रस जावत ओ रस आवत, ओ रस आवा ए रस मूल ना पावा। जदों किसे नू रस आ जाएगा फिर ये रस नहीं वो देखेगा, इधर ध्यान नहीं करेगा, चाहे दुनिया भी पलट जाए, चाहे उसनू शरीर भी देना पै जाए, फिर इन्हां रसां वाल नहीं जाएगा। ये रस जावे, ये रस वो रस तद आ सकता है जदों इन्हां रसां दा असीं संगोच करांगे। जब तक साढ़े विच ये रस ने, वो रस कदी नहीं आए। ये सारे संत महापुरख, जैसा खाई अन्न तैसा हो जाता मन। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं, एक महात्मा किसे पिंड दे लागे रहिंदा सी, उसका निजम सी कि रोज सुबह उठना, लागे कोई मंडी लगती सी दाणा मंडी, उतों चने चुक के लियाने, उही पुन के चप के उसने पानी पी के भजन करना। एक दिन बदल लगा, सोचता कि शायद कल आना हो या नहीं, दो दिन दे लै चलते हैं। दो दिन दे उसने चुग ले, फिर सोचता एक दिन दे रखा किते, रखण वास्ते थां नहीं, बेच दिते पठारन कोल। दूसरे दिन उन्हां पैसों दे कहिंदा चलो उन्हां पैसों दे ही दाने लै लैंदे। उन्हां पैसों दे दाने लै के चबदा चबदा आ रहा सी, पिंड दे बाहरले पासे एक छप्पड़ सी, एक छोटा जिहा बच्चा गल सोने दा तबीत, पिंड दा कोई मोहतबार बंदा सी, उसदा इको एक लड़का सी। दाने चबद्या चबद्या बहुत भ्रिष्ट हो गई, मत मारे गई, लकड़ा छपना जाम लोकी सुट देंदे होंदे। उसने बच्चे का तबीत खोलिया, वो बच्चे नू लकड़ थले देता, बच्चा मर गया, चला गया अपने आसन ते। उधर वो मौत बार जड़ा पिंड दा सी कोई, उसने सारे पिंड दे विच रौला रप्पा पाया, पुलिस मंगाई, सारिया नू खिच त्रू होना लग शुरू हो गई। जदों महात्मा भजन बैठा, वो जड़ा नशा सी दाणिया दा लत्था, तो होश आ गई, मैं की कीता? एक ते पाप कीता, दूसरा पाप जड़ी के अनजान बंदियां नू कुटमार हो रही है, जिन्होंने कुछ कीता नहीं उन्होंने मारा पै रही है, ये भी मैनू पाप है। आप चला गया थानेदार दे कोल कि बच्चे नू मैं मारिया है। पिंड दे लोगों ने उन्हें पूछा, थानेदार ने पूछा कि दसो भाई तुहानू इहदे ते कोई शक है? वो कहन लगे जी ये कई चिरां दा इत्थे रहिंदा, सानू कोई शक नहीं, बड़े नेक पाक ने, इह ते कोई शक नहीं, पर वो कभी कि लड़का मैं मारिया, तुसी इन्हां लोगों नू छड्ड दिओ।
फिर उसने तबीत कट के दसिया कि ये तुहाडे बच्चे का तबीत है, ये मैं मारिया। महात्मा नु थानेदार सियाणा सी, पुछया महात्मा जी तुसी कित्थों आए सो? कहिंदे मैं पठियारां दे पासों दाने लै के आया सी, एक आने वो चबदा चबदा मैं गया। उसने उस वेले सिपाही भेजा जा पठियारां नु पुछया कि ये जिहड़े महात्मा नु दाने दिते सी कित्थों दिते सी तू? उसने कहा कि उस वक्त कसाई की लड़की दाने बना के गई सी, जिहड़ी उहदे विचों चुंग मैं रखी सी वह मैं भुन के महात्मा नु दित्ती। थानेदार ने कहा कि महात्मा का कोई कसूर नहीं है, दाणिया का कसूर, वो राम दे दाने कसाई दे। इनू असर हो गया, दाणिया का कसूर होया, महात्मा का कोई नहीं। घरदिया नू कहा बच्चे वाले भी सुनाओ दसो की करना चाहिए। उन्हें भी कहा जी की करना, बच्चा तो मर गया साढ़ा, महात्मा का भी कोई कसूर नहीं। सो इस वास्ते कबीर साहब ने भी फरमाया जैसा खाइए अन्न तैसा हो जाए मन। इस खाण पीन वास्ते भी क्यों फकीरां ने पतखोर खा के छोटिया चीजा खा के सब्जियां सुब्जियां खा के गुजारे किते? किस वास्ते? कि साडा कोई ऐसा कर्म ना बन जाए जेड़ा असी नाम ना जप सकी, उस परमात्मा नाल साडी लिब ना लगे। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे, ज्यो ज्यो रस दुनिया दे हो गए, ज्यो ज्यो ऐशो अशरत कीती असी, असी नाम तो बिछड़ दे गए। नाम तो बिछड़ दे गए, बिछड़िया मिलना बहुत मुश्किल है, बिछड़िया मिलना बहुत मुश्किल है, बिछड़िया मिल नहीं सकता। सारे संत महापुरख यही प्रेरणा देंदे हैं कि देखियो पाइयो समालक तू बिछड़ियो ना, जिहड़ी कूंज अपने डार तो बिछड़ जाती है वह कली काशां विच कुरलांदी रहिंदी, उहदी कोई शोभा नहीं आउंदी। सारे संत महापुरख ने दुख चल ले। फरीद साहब ने एवें नहीं किया, फरीदा मिसी गिली खा के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी ना तरसा जियो। ऐ फरीद जैसी तैनू मिलती है वैसी खा, पराइयां देख के कदी उधर ध्यान ना दे, अपने दिल नू तरसाई ना, बंदगी कर। हाँ जी, जो रसा भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसारा पव जल पैया, तन धन देखत गर्भ गया, तन धन देखत गर्भ गया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, तन धन देखत गर्भ गया। जद असी दुनिया विच आउंदे हाँ, दुनिया विच दुनिया का मटीरियल देख के, अपनी अकल शकल देख के, अपना दुनिया के परिवार देख के, तन पदार्थ देख के असी हंकारी हो जाते, असी मानी हो जाते हैं कि सानू की जरूरत है उन्हें बंदगी करन दी, फकीरां दे पास जाण दी की जरूरत है, साडे पास सब कुछ है। पर कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है किया कराया सब है गया जब आया अहंकार। ऐ पुरश ये कुछ भी नहीं रह सकता, ये जब तेरे ते अहंकार आएगा कोई चीज नहीं तेरे पास रहेगी, ये सब फना हो जाएगा, एक चीज भी नहीं रह सकती। गुरु साहब जी फरमा रहे हैं जद भी ये संसार से जीव आउंदा है
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਧਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਫਕੀਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ 24 ਘੰਟੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਧਨ ਧਨ ਦੇਖਤ ਗਰਬ ਗਏਆ, ਧਨ ਧਨ ਦੇਖਤ ਗਰਬ ਗਏਆ, ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਸਾਹਿਤ ਵਧਾਏ, ਕੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਪਰਮਾ ਗਏਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਨਾਮ ਵਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਕੇ ਪਰਮ ਚ ਪੈ ਗਏ ਔਰ 84 ਚਲਾ ਗਿਆ। 84 ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣਨਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਨ ਦੁਰਲਭ ਤੁਮਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਜੇ ਭੜਕਾ ਖਾਇਆ। ਐ ਪੁਰਸ਼, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਨੁਸ਼ਾ ਜਨਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਜਨਮ ਤੂੰ ਭੜਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀੜ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਕੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਐਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਚੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੈਂਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰਾ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਐ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਸੱਪਾਂ ਠੂੰਗਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪਾਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪਾਏ, ਬਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਹਰੇਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਨੁਸ਼ਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜੀ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਢੂੰਡ ਪਾਲ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲਗਾ ਰਹੋ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ, ਸਹਿਜ 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 ਮਨ ਮਨ, ਤੂੰ ਲਗਾ ਰਹੋ ਲਗਾ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ।
कनक कमनी सोहे टबदाए की नाम विसार परमा गए जात सात संजम शील न रखया प्रीत पिंजरा में कष्ट पाया। गुरु साहब जी ये सानू चार सवाल पावते है सारी दुनिया जात सात संजम शील न रखया प्रेत पिंजर माहे कष्ट पिया। ए पुरुष जात सात संजम शील इन सवालों नू कर ये सवाल जेड़े है एक परमार्थ का एक मुंड है। जात सात जेड़ा है जिस तरह असी किसी मकान की नहीं मजबूत रखते हैं किस वास्ते कि जे परमात्मा सानू पुरज देते असी होर तरक्की कर सकी। इसे तरह जेड़ा जत सत है इस परमार्थ की मनियाद है नहीं है इहदे बिना परमार्थ जेड़ा तरक्की नहीं कर सकता। ये सारे संतां महापुरखां ने ही मंगे दादू साहब जी मुसलमान फकीर होया उन्होंने भी अपने मुरशद पासों मंगया साई सत संदोख दे पाप भगत विश्वास सिद्क सबूरी सात दे मंगे दादू दास। दादू साहब ने कहा ऐ मेरे साई मेरे मालक मैनु सब तू पहला सत दे नाल संदोख भगती पाप विश्वास विश्वास भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। विश्वास जड़ा हजूर फरमाते होंगे सी ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है जिदा विश्वास नहीं ओदा कख भी नहीं ओदा कुछ नहीं पले रहिंदा। गुरु साहब जी बाणी दे विच फरमा रहे जत सत संजम सील ना रख ऐ पुरुष ये चार सवाल कर अगर नहीं तो फिर प्रेतां दा जन्म आना ही आना है कौन रोकेगा। पर संत कुछ ना कुछ फिर रियात करते हैं सानू समझाते हैं। गुरु साहब ने बाणी च फरमाया है सत पंथ के चरण का जो चरनामत कले अरोग दोष सब मिट जाए रहे न जम का पै। अगर तू नहीं ये सवाल कढ़ सकदा तो जिसने सवाल कढ़े है तू उस दी शरण भी चले जा। संजम नहीं कोई जात सात नहीं कुछ नहीं ते भाई फिर तू की करेगा मर के प्रेतां दे जन्म जाएगा। ये बारे कभी असी सोचिया ही नहीं। एक फकीर ने लिखिया गल समझी ना मूल मरोड़ वाली पाया पढ़न पढ़ाण ते जोर जारा। वो भाई तू पढ़न पढ़ाण ते जोर पाता जेड़ी गल सी विचों समझी है नहीं वो मरोड़ वाली गल समझनी चाहिदी जिस जिस दे नाल साडा साड़ी कल्याण होनी। हाँ जी जत सत संजम शील न रखया प्रीत पिंजरा में कष्ट पाया। पुन दान इश्नान न संजामा साध संगत बिन बाद जाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि फिर असी की करदे हां जद असी पाप करदे हां कोई दुनिया दे गलत कर्म करदे हां फिर असी पुन करना शुरू करदे हां कोई दान पुन करदे हां
कोई ऐसी तीर्थ यात्रा करते हैं, चलो स्नान कर लिए साढ़े पाप जड़े दूर हो जाने। पर गुरु साहब जी फरमाते नहीं, जिथे पाप तू किते है, जिथे तेरा ऐंता करन दा शीशा मैला होया, उत्थे ना तेरे पुन ना पानी छोटा साबन कुछ भी नहीं जाना, वो मैला हो चुका है। बाणी जी गुरु साहब जी फरमाते ने, भरी हाथ पैर तन दे ला पानी उतर सुखे, मोत पलीत कपड़ हो ला सबोन लईए तो, भरिए मत पापा के संग बहुत रे नामे के रंग। जिहड़ी साडी मत पापा नाल भरी जानी है वो नाम दे नाल ही, उत्थे सोडे साबण की कोई जरूरत नहीं, ना सोडा साबण ना पानी काम देंदा है। नाम भी बदे है, साडे कर्म भी बदे ने, कोई दे कर्मा दा नहीं, कोई दे साडे नाम दा नहीं। जो गुरु साहब जी बाणी च फरमा रहे है ठीक फरमा रहे, दान पुन अशनान असंजन उन्हें फिर साधु की दस पाई, साध संगत बिन वाद गया। बेशक तू सब कुछ कर ले, लखां रुपए खर्च ले, लेकिन जब तक तेन साधु की संगत नहीं मिलेगी इन्ने चिर तेन कख नहीं मिलना। वो साधु की संगत बिना तेरे दान भी पुन भी शनान भी एक किसे काम नहीं। साधु दान भी कराते है, अशनान भी करते है, किस चीज का कराते। माग मंजन संग साधुआ तूड़ी कर अशनान, हर का नाम त्याए सुन सबना नु कर दान। भाई माग मंजन संग साधुआ, साधुआ दे संग आ जाए, तूड़ी केड़ी है, शब्द उस शब्द ने साड़ी मैल लानी है, साड़ा शनान होना है। फिर असी हर का नाम त्याए सुन, पहला सुन त्या, आप कर कुछ फिर दान कर। जे तेरी खेती जाए कख नहीं तू दान की करना है, खेती जिन की उजड़ी खिलाड़े क्या था, मालिक जिन का भुखा नंगा नफर कितू रज खाए, दान कादा करेगा। आज जिन्हों का दरबार है 40 साल उन्होंने तपस्या की, 40 साल एक टक परवाह नहीं की किसी भी चीज की, कोई लोक लाज नहीं रखी, मान तराण कुछ नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं की। और तीन दिन तीन रात समाधि लगी रही, फिर जब सफाई हुई रूप फौरन अपने देश पहुंच गई। और मुर्शद ने फिर मानता दी, थापी दी कंड दे, तू शेर है बहादुर है, तू अपना काम कर ले गुरमुखा वाला। जेडे उस वक्त कोल सी सेवादार वो रोंदे है कि मर गए, गुरु साहब ने कहा नहीं ते अपने सतपुरश के पास बैठे है, उन्होंने जरूरत होगी आपे भेज देंगे। 40 साल एक टक कमाई की थी। गुरु साहब जी जो बाणी च फरमा रहे ठीक फरमा रहे, उन्हें दान किया जो पल्ले होया कुछ तो फिर दान किया। ये पल्ले ही कखड़ी तो दान करना कहता है। तनी धर्मदास 14 करोड़ का शाहूकार सी, धर्मदास क्यों ना रखे सी उसने, कि जड़िया चूल्हे लकड़ा बालदा सी धो के बालदा सी, कि अपने आप को बड़ा धर्मी समझदा कि मैं धर्मी। तो कबीर साहब ने सोचा ये धर्मी तो बनी फिरदा लेकिन पाप बड़ा करता। एक दिन जाके चूल्हे चो लकड़ कट के बाहर मारी, हजारा ही जीव उहदे चो निकले लकड़ दे विचों, धोंदा तो बाहरों से अंदरों तो नहीं सी धोंदा, हजारा जीव निकले। कबीर साहब ने कहा धर्मी है, ये धर्म है तेरा। उस वेले लोप हो गए, कबीर साहब जी लभे ने मर गए, खाना पीना छुट गया, चिंता पै गई।
कि मैनू दस के पता नहीं किधर गए महापुरख। कारनी जड़ी उन्हां दी शव कारनी सी, कहन लगी तुसी रोटी पानी छको, गुड़ते मक्खियां बड़ियां, तुसी जग करो, आपे वो साधु आएगा लब जाएगा। फिर जग करना शुरू कर देता। 14 करोड़ रुपया जग दे विच खर्च कर दिता, पल्ले कुछ नहीं रहा। जदों मीर आदमी दे पल्ले कुछ ना रहे तो फिर वो मजदूरी टोकरी नहीं पा सकता। दिल च सोचा भी चलो कि दरिया जाके छाल मार के मर जाते, हुण तो पल्ले कुछ नहीं रहा, चला गया। जदों दरिया छाल मारन लगा तो कबीर साहब ने बांह पड़ ले। कबीर साहब कहन लगे की करन लगा? कहिंदे तू पिछे मुड़ के देखे तो वही स्वरूप। कहिंदे तू हुण आया, मेरा रिहा कख नहीं। कहन लगे तेरे घर वाली कहती सी कि गुड़ ते मक्खियां बड़ियां, असी मक्खी नहीं है। असी सोचा जो गुड़ मुक जाएगा उदों जावांगे, जो गुड़ मुक जाएगा उदों जावांगे, असी मक्खी नहीं, असी पंबरे हैं। जिहड़ियां मक्खियां सुहाउंदियां रहियां, खांदियां रहियां, चला जांदियां रहियां, असी मक्खी नहीं है। वो धनी धर्मदास नाम देता कबीर साहब ने, फिर महापुरख बने हैं। बड़ी लंबी साखी है। तो भाई महापुरख जड़े होंदे आ मक्खी नहीं होंदे, वो पंबरे होंदे आ, उन्हां नूं कशवोइयां दी जरूरत है। हाँ जी, पुन दान इशनान ना संजामा, साध संगत बिन बाद जाए लाल ची लागे नाम बिसारे हो। आवत जावत जन्म घरे आ। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, लाल च लगे नाम बसारे, आवत जावत जन्म गया। असी झूठे लालच पै के अपने उस परमात्मा दे नाम नू बसार देंदे, और नाम बसार के फिर की हुंदा है, सानू जन्म मिल जांदे। ये जन्म मनुष्या जन्म साडा जिहड़ा मुक जांदा है, ये मनुष्या जन्म ही साडा खत्म हो जांदा। बहुत लंबे गेड़ विच असी पै जांदे। गुरु नानक देव जी महाराज एक बार मरदाना कहन लगे कि शहर दे विच लंघे, ते मरदाना कहन लगा महाराज ये लोग की खांदे है, ये चुप करके बैठे है दुकाना ते। गुरु साहब ने कहा तैनू दस देने जो खांदे है। एक रुपया देता मरदाने, जा मरदानिया फलानी चीज लिया। लैन गया, लियांदी वो चीज, गुरु साहब ने कहा नहीं चंगी, जा वापस कर। आ कोई तो उन्होंने तोल विच घटा दी, कुछ उन्होंने मुल विच रुपये दे 14 आने देते। जा मरदाने फलानी लिया, लैन चला गया। फिर गुरु साहब ने कहा नहीं चंगी, जा मोड़ आए ना। वो 14 आने दे 12 आने रह गए, कोई चीज घट गई। मकसद की कि आउंदिया जांदिया रुपये ही घस गया। जले रुपया घस गया तो मरदाना महाराज कहते मरदाने सौदा भी साढ़े कोई नहीं, रुपया भी है नहीं। सौदा भी है नहीं तो रुपया भी है नहीं, की बनया महाराज पता नहीं लगा। रुपया भी साढ़े को है नहीं तो सौदा भी है नहीं, ये मरदाने यो कुछ खाते नहीं। मरदाने दसा यो कुछ खाते नहीं। सो साडा जन्म जेड़ा झूठे लालच दे विच पै के साडा जन्म ही मुक गया, जन्म ही साडा खत्म हो गया, सानू दूसरे जन्म विच जाना पिया। हाँ जी, लाल ची लाग नाम विसारे हो, आव
आवत जावत जनमा घरे जा जमताए केस गह मारे सुरत नहीं मुख काल गए गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं जब जमदूत आंदे वो सानू केसां तो फड़ के पुरका के जमीन ते मार दे साड़ी होश भुल जांदी ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਬਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਖਿਆ ਰਖਾਏ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਜਮਦੂਤ ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਭੜਕਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ 84 ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਟੋਰ ਕਾਫੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਆਪੇ ਬੋਲਿਆ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ 70,000 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 70,000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ $70,000 ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾਮ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ ਮਤ ਮਾਰੇ ਜੀਓ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ $70,000 ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਔਰ 70,000 ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਰੱਖੀ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਜੈਸਾ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਐਸਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਐਸੇ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਜਮਤਾਏ ਕੇਸ ਗਹਿ ਮਾਰੇ
सुरत नहीं मुख काल गए एहन सनिंदा तात पराए हृदय नाम न सर्व दया। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे ऐ पुरुष तेरी कल्याण किस तरह होएगी, निस दिन तू निंदा करता रहिंदा है, पराइयां चीजां नूं तू अपनियां बनाउंदा है, तेरे विच कोई दया नहीं, किस तरह तेरी कल्याण होएगी। साडे विच इह गुनाह जिहड़े है सानूं लै के बह जांदे। दया भी एक बहुत बड़ी उच्ची चीज है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कुंभल चित दया मन तारो परमार्थ का खोज लगाना। भाई जब तक तुम्हारा चित कुंभल नहीं होता तुम्हारे अंदर दया नहीं आती, तुसी परमार्थ का कोई हिस्सा नहीं लै सकते, कोई खोज कर नहीं सकते। कई बार ये दसिया है एक चोर एक पिंड विच चला गया, एक लागे घर सी माई दे घर चला गया, एक लागे ब्याह सी कंध नाल ही दूसरे पासे ब्याह शादी हो रही सी, रात का समा सी। माई ने अपनी तौड़ी विच छोटे छोटे पत्थर पाए ते पानी ते अग लाई जावे ते बच्चे उसदे रोई जान, ते बच्चियां नूं कहे कि चौल बन दे ते फिर मैं तुहानूं देनी। काफी देर हो गई, चोर ने पूछया माई चौल इन्ने चिर ते नहीं लगते है, गल की है। माई ने कहा बेटा चौल है ही नहीं, मैं पत्थर छोटे छोटे पाया है ते मैं लारा लप्पा दे आ रही हूं, बच्चियां नूं रो रा के सौ जान के सवेरे जो मालक दी मौज है। चोर दे विच दया आ गई। देखो दया जड़ी है, माई नूं कहिंदा माई कपड़ा लैके इधर आ जा दरवाजे च बैठ जा। वो जा वड़िया उत्थे ब्याह सी रात दा समा, की पता कौन है ते कौन नहीं, ब्याह गाह हुंदा है, रोटी दा समा सी, रोटी खान बिठाए सारे, उन्हें जा चौलों का छाबड़ा फड़िया मुठ मुठ पाँदा पाँदा आके माई की चादर से उल्ट दिता, माई लै जा फटाफट बाल्टी लिया करो। बाल्टी लियाई, दूजी बार उसने दाल की बाल्टी फड़ ली, थोड़ी थोड़ी पाँदा पाँदा जाके माई बाल्टी लुद्दी दाल तो कहता माई लै जा। जदों वो बच्चों ने खाधी रोटी खाधी ऐसी कोई शीस परमात्मा के घरों हुई, उस चोर के सिर ते छतड़ी लग गई, चोरों कुतुब बन गया, उहदे विच चोर दे कोई गुण नहीं रहे, वो एक महापुरख बन गया। जड़ा आम मिसाल है कि कुतुब होए चोरों कुतुब बन जाता है, चोरों कुतुब बन गया कोई करनी दे नाल दयाई। तुलसी साहब भी बाणी च फरमाते हैं तुलसी जगत सराम है दो पले हैं काम, देनी मुष्टि अन्न की लेने को हर नाम। है तुलसी जगत विच दो काम प्रधान है अच्छे ने, अगर तू किसी नूं खवाना तो पक्का भोजन खवा, किसी की आत्मा भुखा होएगा शीस देगा, जे दान लेना तो नाम दा लै ताँ कि तेरी कल्याण हो जाए। तुलसी साहब ने भी फरमाया पता नहीं बंदे का हुंदा, असी नेपाल एक बार गए, जिन्हां दे घर गए वो कहन लगे कि पहाड़ी है उत्थे बड़ी अच्छियां चीजां ने, चलो उत्थे लै चलदे हां तुहानूं। मैं चलो चौं तुरे उस पहाड़ी दे उत्ते, दो तीन दुकानां उत्थे कुछ भी नहीं, फिर उत्थों टले अगे गए, असी रोटियां राटियां उत्थों पूरियां उन्हां चौल बनाए, रोटियां सार की चीज बना के अपने कारां च पा ली। अगे छोटा जिहा कनाला लंघिया, अगे एक उन्हां दे मंदर जे नेपालियां दा है उत्थे वो कथा हो रही सी, उन्हां दी जगह बड़ी साफ, मैं इत्थे तुसीं रोटी खा लो, रौनक रौनक दे कुछ नहीं लभी हैगी। उत्थे रोटी खाण लगे जी, एक बंदा आया
ये नहीं पता है परमात्मा या कुखा किस दिन का सी जा सी उहदे वास्ते गए उत्थे। मैं वो बह गया कोल, मैं कह रोटी तुसी बाद च खाओ, पहले इहनूं खवा लै जी। जे असी उहनूं पूरियां देईए तां खाई जावे, जे चौल देईए तां खाई जावे, जो देईए खाई जावे खाई जावे। पता नहीं उहने चौं बंदिआं दा खाणा खाधा, पंजां बंदिआं दा खाणा, किस दिन दा भुखा सी। असी उहनां नूं सोचिआ कि कित्थे असी रोटी बनाई, किहनां वास्ते असी बनाई, किन्नियां पहाड़ियां असी लंघियां, इहदे वास्ते इत्थे आए, इहनूं खवाउण वास्ते उत्थों चुकी ते इत्थे इहनूं इहनूं इत्थे किहने देणी सी रोटी, खवाउणी सी बेचारे ने। इन्नी रोटी उहने खाधी, असी उत्थे बैठे रहे, इहनूं खवा लैण दिओ, बाद च तुसीं बचू दे खा लो। पता नहीं उहने सुका जिहा बंदा बेचारा भुखा है जी, पता नहीं किन्ने दिनां दा भुखा सी। तुलसी साहब ने जो बाणी च लिखिया ठीक लिखिया, देनी मुश्ती अन्न की लेने को हर ना, भुखे प्यासे नु खाओ दी आत्मा शीस देगी। हाँ जी, अहनस निंदा काक पराए, हृदय ना माना सर्ब दए। सर्व ये नहीं दिया कि असी बंदियां दी दिया करनी है, सर्व कहंदे है तमाम जो जीव दुनिया ते आया, असी सारिया ते दिया करनी है। ये फकीरां ने कीती दिया सारिया। श्री गुरु रविदास महाराज जी जंगल विच बैठे जी, एक शिकारी ने जंगल विच फाई लाई, तीन दिन होया सी उसने फाई लाया, तीसरे दिन एक हरनी फस गई। वो हरनी हुण बेनतियां करदी है शिकारी अगे कि शिकारी है तू मैनूं छड़ दे, मेरे मजूम बच्चे है वो कुछ खांदे पींदे नहीं, तो मैं उहनां नूं समझावां नाले दुध पिलावां। पर दो तीन महकमे ऐसे हुंदे आ किसी दी मनदे नहीं, शिकारी मन्ने ना। आखिर गुरु साहब जी उहनां दे पास आए, गुरु साहब ने भी उन्हें समझाया पर शिकारी मने ना। गुरु साहब ने कहा भाई तू इस तरह कर, इहदी फाई मेरे गल च पा ले, जिन्ने चिर जे ना आएगी इहदे मुल दा मैं काम करांगा फिर मैनू छड़ दई। गुरु साहब जी उहदे पास बैठ गए, हरनी नूं छड़ दित्ते। हरनी जाके अपने बच्चियां नूं दुध पिलाउंदी, नाल अपनी हालत दसी, बच्चियां ने दुध छड़ दित्ता। दुध छड़ दिता कि तू क्यों नहीं साढ़े पास आना, जिथे तू मर जाएगी असं भी मर जावे। इस महात्मा ने कहा कि मैं एक महात्मा नु जाके छड़ाउणा है, उसने तुहाडे वास्ते जबानत दिती है। उन्हां बच्चियां ने कहा जिस महात्मा ने जबानत दिती है सानू भी उहदे दर्शन करा, जिथे तू मर जाएगी असं नाल मर जावे, असं इत्थे की करना। समैत बच्चियां दे हरनी आ गई, समैत बच्चियां दे हरनी आ गई। जदों उस दे पास शिकारी दे पास आए ते गुरु साहब ने कहा शिकारी आ अगे एक नूं तू रोंदा ही, हुण सारे आ गए, जो करना तू कर लै, पर करना की अंदरों अंदर ऐसी कुंडी फिरी, मन ही तब्दील हो गया। बंदे दा मन ही है, कबीर साहब जी महाराज फरमांदे है कबीरा मन तो एक है चाहे किते लगा, चाहे कर भगती चाहे विशे कमा। मन तो एक ही है, कांटा ही बदलना इसका, जिस तरह गड्डी का कांटा बदलता दूसरी लैन ते हो जाती है। अंदरों मन बदल गया महापुरखों की दया के नाल, यही दिल च विचार आई कि यह भी किसी के बच्चे है, इन्हों बच्चों नू मार के मैं खवावगा, अपने बच्चों नू कितना पाप है। पाप पुन का तद ही पता लगता है जो विचार रूप में आवे, जदों ये विचार रूप में नहीं आता इनू कोई पाप पुन का पता नहीं लगता। इसे वास्ते संत महापुरखों ने बाणी च फरमाया राम पढ़ो मन करो विचारा, राम राम भी पढ़ो और विचार भी करो। जब तुसी विचार नहीं करते तुहाडे राम का फायदा ही कोई नहीं। उसे वक्त गुरु साहब के चरणा से डिग पिया,
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਿਆ ਕਰਨ ਹਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਨੀ ਦਾ ਵਿਧਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਰ ਭਾਈ ਸਰਬ ਤੇ ਦਿਆ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਸਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਬ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 84 ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਯਾਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੀੜਿਆਂ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਸਰਬ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲੂਲਾ ਪਿੰਗਲਾ ਅੰਨਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕਿ ਐ ਪੁਰਸ਼ ਤੂੰ ਸਬਰ ਸਰਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰ ਤਦ ਤੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ